करोड़ों गैलेक्सी से भरे हमारे यूनिवर्स में एक बेहद ही दुर्लभ गैलेक्सी मिलने से वैज्ञानिकों में दिलचस्पी बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आकाशगंगा में 3 विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है जिसमें 30,000 करोड़ से अधिक सूर्य समा सकते हैं। कितना बड़ा है ये ब्लैक होल, किस प्रकार इसकी स्टडी करने की तैयारी की गई, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे अमेजिंग वस्तुएं हैं। इन ब्लैक होल का मास 10 बिलियन सूर्य से अधिक होता है, जो उन्हें मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल से कहीं अधिक खतरनाक बनाता है। और उनके ज़बरदस्त आकार ने एस्ट्रोनॉमर्स को भी हैरान कर रखा है। इसके केंद्र में 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं जिसे एस्टेरॉयड नामक एक हाई रेजोल्यूशन कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन HRCS का उपयोग करके दिखाया गया है। टीम ने ब्रह्मांड के विकास को मॉडल किया जो लगभग 11 अरब साल पहले वजूद में आया था। सिमुलेशन में टीम ने आकाशगंगा में कोलिजन यानी कि विलय के बाद अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के जन्म को दिखाया। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन आकाशगंगाओं में से प्रत्येक का अपना क्वाजार होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चमक रहा होगा कि क्वाजार क्या होता है। नासा के अनुसार एक क्वाजार एक बहुत ही चमकीला सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना ज्यादा होता है। एक क्वाजार का प्रकाश उसकी मेजबान आकाशगंगा के सभी तारों के संयुक्त प्रकाश से भी अधिक होता है, मतलब सभी तारों के एक साथ मिलाई हुई लाइट इंटेंसिटी से कई ज्यादा एक सिंगल क्वाजार की लाइट एमिशन एबिलिटी होती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब ये तीनों क्वाजार आपस में मिले तो उन्होंने एक अधिक विशाल ब्लैक होल बना दिया। अब यह ब्लैक होल इतना ताकतवर हो गया है कि आसपास की सभी चीजों को निगलता जा रहा है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता, लेकिन इसे इमेजिन करना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। टेक्सास एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर यानी TACC टैक के फ्रंटेरा सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ने फिजिसिस्ट को लगभग 11 अरब साल पहले बने इस अति विशाल ब्लैक होल की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद की। नया ब्लैक होल इतना विशाल है कि सूर्य से 30,000 करोड़ गुना बड़ा है। ट्रिपल क्वाजार सिस्टम की दुर्लभता बता सकती है कि वास्तविक ब्रह्मांड में अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल इतने खतरनाक क्यों होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का निर्माण बहुत ही दुर्लभ या यूं कहें कि एक बहुत ही रेयर इवेंट है। और जब हम कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स की बात करते हैं तो ये महीनों सालों की नहीं, ये लाखों करोड़ों सालों की बातें होती हैं। अगर इन ब्लैक होल के इर्द गिर्द हमारी आकाशगंगा आती है या यूं कहें कि हमारे आकाशगंगा के आसपास अगर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल होता तो बहुत अधिक चांस थे कि यह अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल हमें देखते ही देखते अपने अंदर समा लेता। कैसे बनता है क्वाजार या कैसे बना था पहला क्वाजार? अरबों करोड़ों वर्ष पहले इस तरह के दर्जन भर तारे थे। जब ये पैदा हुए तो इनका द्रव्यमान या यूं कहें कि सोलर मास हमारे सूर्य से 1,00,000 गुना ज्यादा था। अभी तक जितने भी ब्लैक होल देखे गए हैं उनमें आमतौर पर केवल 10 से 100 सोलर मास ही होता है। और जब बड़े तारे मर जाते हैं तो ये बनते हैं मैसिव ब्लैक होल्स। यह अनुमान लगाया गया है कि 10,000 से 1,00,000 सोलर मास वाले तारे ब्रह्मांड की शुरुआत में बने थे, लेकिन इनके लिए मजबूत अल्ट्रावायलेट बैकग्राउंड गैस और डार्क मैटर सफिशियंट अमाउंट में नहीं था, इसलिए इनके बीच में सुपरसोनिक प्रवाह सामान्य भी नहीं रहा और जिसके कारण पहला क्वाजार बना। स्टार, यूनिवर्स, स्पेस, ये सब बड़ी ही दिलचस्प टॉपिक्स हैं। सोचने की बात तो ये है कि इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में क्या हम वाकई एक सिर्फ अकेले जीव हैं जो उसका अध्ययन करने की क्षमता रखते हैं? और अगर हाँ तो हमें इस जानकारी में और कितना गहराई तक जाना चाहिए, इसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी अनोखी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए IPC24 के सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।